हे गाइस, वेलकम टू स्क्रैच डीजे एकेडमी एंड दिस इज डीजे सू। वेल, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, आपको डेफिनेटली उसके टाइटल से लग गया होगा कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है एंड डेफिनेटली थोड़ा झटका क्रिएट करेगा। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, बट प्लीज़ ट्राई टू मेक इट अ हेल्दी डिस्कशंस, डोंट स्टार्ट अब्यूजिंग एनीबडी। और बहुत अच्छे से हम उसके बारे में बात करेंगे और हम आपको उसके बारे में जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। वेल, द टॉपिक सेज फीमेल डीजेज हैव रुइंड द डीजेइंग इंडस्ट्री। आप में से कई ऐसे होंगे जो ये बात को सोचते हैं, इस बात को मानते हैं और उसके बारे में डेफिनेटली सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ लिखते हैं। वेल, आपको आज मैं एक इसको स्टैंड करने नहीं आया हूँ, मैं आपको इसके बारे में आपका प्रोस्पेक्टिव ही चेंज करने आया हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि फीमेल डीजेज ने उनका काम खराब कर दिया है? कितनों को ऐसा लगता है कि फीमेल डीजेज आने से उनके गिग्स चले गए? और कितनों को तो ऐसा लगता है कि फीमेल डीजेज डू नॉट डिजर्व टू बी वेयर दे आर? वेल, देखिए, कुछ ऐसे होंगे फीमेल डीजेस जो बॉडी शो करके या रॉन्ग प्रैक्टिसेस करके अपना डीजेइंग करियर को एस्टैब्लिश करे होंगे, लेकिन कुछ के वजह से आप पूरी डीजेइंग, फीमेल डीजेइंग इंडस्ट्री को आप खराब बोले, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे मेल डीजेस ने भी डीजेइंग इंडस्ट्री ख़राब कर दी है, पैसे कम लेके, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करके या बहुत सारे ऐसे तरीके करके कि जिससे कई लोगों का काम आना बंद हो गया है, कई लोगों के घर नहीं चल रहे। वेल, फीमेल डीजेस का मैं आपको कुछ प्रोस्पेक्टिव इसलिए दूंगा क्योंकि कई ऐसी फीमेल डीजेस हैं जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया है, उनको ग्रूम किया है और मैं जानता हूँ हाउ मच एफर्ट एंड हाउ मच सैक्रिफाइस दे हैव टू गिव इन टू टेक डीजिंग एज अ करियर। गाइस, सबसे पहली चीज़ जो फीमेल डीजेस को फेस करनी पड़ती है वो करना पड़ता है फैमिली का प्रेशर। उनकी फैमिलीज उनको सपोर्ट नहीं करती हैं। कितनी सारी ऐसी फीमेल डीजेस होती हैं जो अपने घर में झूठ बोल के डीजिंग करती हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज दे लव म्यूजिक। इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट दे लव म्यूजिक, दे वॉन्ट टू बी अ डीजे, दे आर सो पैशनेट अबाउट दी आर्ट, बट सोसाइटी और फैमिली और रिलेटिव्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लड़कों के लिए शायद वो चीज़ें फिर भी आसान है, लेकिन एक लड़की के लिए रात को 12:30-1 बजे घर आना, सोसाइटी गिव्स देम अ डिफरेंट मार्क ऑल टुगेदर। उनको क्या क्या बोला जाता है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद फीमेल डीजेस, आप आज भी हम बात करते हैं, दे हैव रुइंड द करियर। हाउ? Most of the DJs who are dominating, who are performing in the industry are male. कितनी कम फीमेल DJs हैं हमारे इंडस्ट्री में जो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, और शायद इसी रीजन से कि वो इतनी कम है उनके रेट और उनके चार्जेस हाई होते हैं। डेफिनेटली दे ब्रिंग ग्लैमर, बट अगर आप एक एवरेज में बात करें, मोस्ट ऑफ द हाइएस्ट पेड DJs आर मेल। हम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? Why we always say that female DJs have taken up their job? आप खुद उठ के बात करिए, अपना काम करिए ना। Why you are blaming your entire आप जो आपकी नाकामयाबी है वो आप उन फीमेल डीजेस के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? फीमेल डीजेस डेफिनेटली नीड अ लॉट मोर रिस्पेक्ट देन दे आर गेटिंग टूडे। क्या आप जानते हैं कि एक फीमेल डीजे को जब वो परफॉर्म करती है, हाउ मेनी टाइम दे आर हैरेस्ड बाय द रेजिडेंट डीजेस इन द क्लब, हाउ मेनी टाइम दे आर हैरेस्ड बाय द क्राउड? क्या आपने कभी किसी फीमेल डीजे के पास बैठ के इस बारे में बात करी है? क्या आपने कभी ये चीज़ को नोटिस किया है कि जब उनको गिग के लिए बुक किया जाता है तो कई बार उनको बताया जाता है कि उनको कितने छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे? क्या उनको वो चीज़ बुरी नहीं लगती होगी? क्या उनको नहीं लगता होगा कि डूड, मेरे को बॉडी शो करने के लिए बुला रहे, मुझे ग्लैमर के लिए बुला रहे, मेरे को टैलेंट के लिए बुला रहे, लेकिन उनको भी गिग्स करने हैं, उनको भी अपना घर चलाना है? तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये रहेगा मेल डीजेस के साथ, दैट गाइस स्टॉप शैमिंग फीमेल डीजेस। उनके बारे में सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक स्टेटस पे हम लोग उल्टा सीधा लिख देते हैं, और अगर कोई उनमें से कन्फ्रंट करने आए तो हम लोग गंदी गंदी गालियां देकर या उनके कैरेक्टर के ऊपर असैसिनेट करके हम उन लोग को लेट डाउन कर देते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, दे डिजर्व मोर रिस्पेक्ट, दे डिजर्व टू बी अपलिफ्टेड। आप उनको आगे लेकर आइए और देखिएगा कि आपकी डीजे इंडस्ट्री में कैसा बिहेवियरल चेंज आएगा। और अगर आपको उनकी वजह से गिग नहीं मिल रहा तो स्टॉप पुटिंग द ब्लेम ऑन देम एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर ओन डीजेइंग करियर। अगर आप इंडिया में भी टॉप डीजेस 10 डीजेस का नाम लेंगे तो उसमें भी सब मेल होंगे, हार्डली एक या दो फीमेल डीजेस होंगी। और आप कभी कॉल करके उनसे उनके चार्जेस पूछेगा, मेल डीजेस आर डेफिनेटली चार्जिंग मोर एंड दे आर डूइंग मोर गिग्स देन देम। तो अगर आप ये बोलते हैं कि पूरी डीजेइंग इंडस्ट्री उन्होंने खराब कर दी है तो ये गलत है, और एक दो लोगों के पीछे अगर आप पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं तो आई थिंक यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट रादर देन चेंजिंग द फीमेल डीजिंग इंडस्ट्री। आई होप ये वीडियो उन डीजेस को थोड़ा समझाएगा या थोड़ा एक नया विजन देगा जो फीमेल डीजेस को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कई जगहों पे हैरेस करते हैं, दे स्टार्ट टॉकिंग शिट अबाउट देम। सो गाइज़,
दिस इज डीजे सू साइनिंग ऑफ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो.